हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकंड ईयर में एक्सरसाइज सेकंड डी कर रहे थे और जिसमें हम इंस्पेक्शन मेथड कर रहे थे। तो इंस्पेक्शन मेथड के आज हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आपको करवा दिए। अब देखिए, एक है क्वेश्चन नंबर 7। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल एम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब देखिए, यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या करूँ, खोल लूँ। तो देखिए सॉल्यूशन में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल एम एक्स डी एक्स माइनस एम वाई, यहाँ y है, ठीक है, y dx। अब इसको इधर ले आओ, क्या होगा, x dx y dy माइनस एम एक्स डी वाई प्लस एम वाई डी एक्स इक्वल जीरो। अब यहाँ पर हम एक साथ कर दें इसको, मैं क्या लिख दूँ, x dx प्लस y dy एक साथ, और यहाँ माइनस एम कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स डी वाई प्लस का और माइनस का वाई डी एक्स। अब इसमें डिवाइड दे दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड दिया तो हमारे पास बचा एक्स डी एक्स वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अब देखिए आगे ये फॉर्मूला किसका बना, दैट इम्प्लाइज ये डी बना लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। देखिए कैसे बना, आप खोलोगे तो वन अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वन अपॉन में रूट, और फिर रूट का करोगे तो वन अपॉन में टू रूट, यानी कि अगेन टू रूट आ जाएगा, तो रूट से रूट हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का करोगे तो टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई हो जाएगा, और टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। माइनस एम डी ये बनेगा टेन इनवर्स। अब देखिए वाई का पहले हो रहा है तो यानी वाई अपॉन में एक्स इक्वल जीरो, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ आएगा लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल क्या आएगा, सी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं, ये आपकी बुक में भी यही है क्या, हाँ तो बिल्कुल सेम यही है, ये आ गया आपका क्या, आंसर। यानी कि क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया इसमें, इसमें सबसे पहले एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल एम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो इस टर्म को उठा के यहाँ ले आए, माइनस की हो गई ये वाली, प्लस की हो गई, यहाँ ये एक साथ लिख दिया, यहाँ एम कॉमन निकाला, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल जीरो आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने डिवाइड दिया। डिवाइड देने के बाद हमारे पास क्या बचा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बचा। अब यहाँ ये लॉग का हो गया और ये टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का हो गया। अब बोथ साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीन शॉट लें। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब देखिए y ए एक्स वाई ई की पावर x डी एक्स ई की पावर x डी वाई इक्वल जीरो। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, इसको खोलेंगे,
सीधी सी सिंपल सी चीज़ है, इसको खोलूंगी तो मैं ए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई इक्वल जीरो। अब ये है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अगर आप वाई स्क्वायर का डिवाइड दे दो, ठीक है, वाई स्क्वायर का डिवाइड दे दो, डिवाइडेड वाई वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डिवाइड दोगे ये ए एक्स डी एक्स बच जाएगा और ये बचेगा प्लस में वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए डी एक्स स्क्वायर बाई टू का, एक्स स्क्वायर बाई टू का करोगे तो टू एक्स अपॉन में टू कट जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये होगी स्टेप आपकी डी ई की पावर एक्स एज इट इज अपॉन वाई, खोलोगे तो वाई स्क्वायर और वाई एज इट इज, फिर ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज वाई का क्या होगा डी वाई इक्वल जीरो। बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी का साइन हट जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल सी। अब क्या करोगे, यहाँ टू वाई एलसीएम ले लें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस टू सी वाई, और टू सी वाई को मैं के बोल सकती हूँ तो के वाई आ गया। अगर आपको कांस्टेंट में रखना है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू ई की पावर एक्स, या आपका क्या आ गया आंसर आ गया, तो देख लेते हैं आप सेम है टू सी वाई तक, यहाँ तक का आंसर है। तो क्या किया इसमें हमने, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पार्ट जो पार्ट आएगा वो देखिए क्या है, वाई ए एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स है माइनस ई की पावर एक्स डी वाई है। तो इसमें सबसे पहले हमने खोला, खोला और इस टर्म में, इस टर्म में जो लास्ट है इसमें वाई स्क्वायर का डिवाइड दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमारे बिना डिवाइड दिए फार्मूला नहीं बन रहा था। फार्मूला यहाँ बन रहा था क्या, फार्मूला यहाँ बन रहा था क्या, प्लस होता तो बन जाता, तो यहाँ नहीं, यानी कि यहाँ पर हमने डिवाइड दिया वाई स्क्वायर का और यहाँ नहीं बनता, वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म बच रही थी तो इसलिए वाई स्क्वायर का डिवाइड दिया, वाई स्क्वायर का डिवाइड दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू का फार्मूला, ये हो गया ई की पावर एक्स अपॉन में वाई का फार्मूला इक्वल जीरो। बोथ साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई इक्वल सी, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू ई की पावर एक्स इक्वल टू सी वाई, और यहाँ हमने क्या कर दिया टू सी को के मान लिया, वो आपकी मर्जी है, कॉन्स्टेंट मान लो, बाकी नहीं मान सकते तो यहाँ तक भी सॉल्यूशन है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला ही है, एक है 10 नंबर, 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल जीरो। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो कैसे आता है, इसको मैं खोल लूं तो क्या आएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल जीरो। अब आगे क्या होगा, इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिख दो तो क्या होगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस आगे वाली टर्म में एक्स वाई कॉमन निकाल लूँ, यहाँ बचा वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल जीरो। अब देखिए
मैं इसमें एक्स वाई का डिवाइड दे दूँ, क्यों, एक्स वाई एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है तो एक्स वाई का डिवाइड दे दो। नाउ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का दे दो, तो उससे फॉर्मूला जल्दी बन जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हम देंगे तो क्या आएगा, देखिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन इक्वल जीरो। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, एक्स वाई का डिवाइड दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिवाइड दिया तो हमारे पास एक्स वाई बचेगा। हाँ, अब देखिए आगे ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैं डी माइनस वन अपॉन में एक्स वाई लिख सकती हूँ, तो एक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन यानी कि जीरो हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दें और फिर इसका करेंगे तो माइनस की आएगी दोनों टर्म, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये क्या होगा, ये किसका टर्म होगा, तो ये होगा डी लॉग, देखिए पहले एक्स का हो रहा है तो एक्स अपॉन वाई का, तो लॉग एक्स अपॉन वाई का हो गया। अब आगे देखिए इक्वल जीरो, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस वन अपॉन में एक्स वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई, और मैं यहाँ लॉग सी कर लूँ क्योंकि जो आंसर है वो लॉग सी में इक्वल जीरो, तो ये माइनस एक्स अपॉन में वाई आगे जाएगा तो ये हो जाएगी टर्म लॉग एक्स अपॉन में वाई इंटू सी इक्वल वन अपॉन में एक्स वाई। अब वन अपॉन में एक्स वाई है तो अब आगे क्या करेंगे, हम लॉग हटाएंगे तो एक्स अपॉन वाई इंटू सी इक्वल ई की पावर वन अपॉन में एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल वाई ई की पावर वन अपॉन एक्स वाई अपॉन सी, तो अपॉन सी वन अपॉन सी को के मान सकते हैं, के वाई ई की पावर वन अपॉन एक्स वाई एक्स, और यही देख लेते हैं, यही आपके क्या हैं आंसर सीट में सेम आंसर ये गिवेन है। ठीक है, के मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, क्या कि हमने वन प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स इसको खोल लिया, इस पूरी टर्म को खोला तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा था जो एक साथ लिख सकते हैं हम वो एक साथ लिख दिया, यहाँ एक्स वाई कॉमन आया तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल जीरो, नाउ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने डिवाइड दिया इस टर्म में और आगे वाली टर्म में, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये फार्मूला बन गया माइनस वन अपॉन में एक्स वाई का, ये फार्मूला बन गया लॉग एक्स अपॉन में वाई का इक्वल जीरो, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, अब बचा माइनस वन अपॉन में एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग सी इक्वल जीरो, ये इंटू में लिख दिया लॉग एक्स अपॉन में वाई इंटू सी इक्वल वन अपॉन में एक्स वाई, और एक्स वाई इंटू क्या आ गया सी इक्वल में ई की पावर वन अपॉन में एक्स वाई आ गया, और आगे इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया। तो ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार। तो अब ये था हमारा इंस्पेक्शन मेथड, तो हमारे इंस्पेक्शन मेथड तक लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक लास्ट इसकी इस जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज करेंगे वो है, और रूल्स पर बेस्ड है, तो अगर आप उसके एग्जांपल कंप्लीट कर लेते तो इनफ है, आपको एक्सरसाइज भी करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम रूल पर बेस्ड है तो कई रूल आएंगे, चार पांच रूल आएंगे, और चार पांचों से आपको बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर रूल से आप इसको निकालो। ठीक है, कई बार बोलते हैं कई बार नहीं बोलते, लेकिन हाँ ज़्यादातर आपके लिए बोला जाएगा कि इस रूल से निकालो। तो आपको अब मैं नेक्स्ट मेथड बताऊंगी, रूल मेथड, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए काम में आता है, पहला मेथड था इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है रूल बाय रूल। ठीक है, तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।